रॉकस्टार जडेजा दोहरा शतक से चूके, रोहित ने अचानक कर दी पारी की घोषणा, फैंस हैरान। दोस्तों पूरी खबर आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। असल में रविंद्र जडेजा ने मोहाली टेस्ट मैच में 175 रनों की नाबाद पारी खेली। जब जडेजा 175 रन पर थे तभी कप्तान रोहित शर्मा ने पारी की घोषणा कर दी, यानी जडेजा अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक नहीं बना पाए, जिसके बाद फैंस हैरान है। फैंस का मानना है कि यदि 15 से 20 मिनट और दिया जाता तो शायद जडेजा दोहरा शतक भी लगा देते, लेकिन समय को देखते हुए कप्तान रोहित ने पारी की घोषणा कर दी। अपनी 175 रनों की यादगार पारी में जडेजा ने 228 गेंदों का सामना किया और 17 चौके 3 छक्के जमाए। जडेजा की पारी बेहद ही कमाल की रही। पहले तो जडेजा ने 7वें विकेट के लिए अश्विन के साथ 130 रन की साझेदारी की, फिर बाद में मोहम्मद शमी के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी की। रोहित शर्मा का ये डिसीजन लेना सही था या गलत, कमेंट में जरूर बताएं।